नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो छात्रों, जो पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश के इतिहास के बारे में हमने चर्चा की थी, गुप्तकालीन इतिहास को जानने के स्रोत, गुप्तों की उत्पत्ति, गुप्त शासकों के मूल निवास स्थान के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। छात्रों, आज जो हम गुप्तकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि गुप्त काल में किस प्रकार का समाज था, कौन कौन सी जातियां निवास करती थी तथा जो गुप्तकालीन शिक्षा, मनोरंजन, खान पान किस प्रकार का था, वस्त्र आभूषण, वेशभूषा क्या थी गुप्त काल के अंदर, तो उसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, जो गुप्तकालीन सामाजिक जो सामाजिक व्यवस्था उसके बारे में देखते हैं। छात्रों, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त राजाओं का शासन काल स्वर्ण काल के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त राजाओं का शासन काल प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त राजाओं का शासनकाल स्वर्ण काल के रूप में प्रसिद्ध है। गुप्त काल में सामाजिक गुप्त काल में समाज, धर्म, कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार वाणिज्य व्यापार वाणिज्य साहित्य, चिकित्सा शासन प्रशासन साम्राज्य, ज्योतिष, गणित, हर क्षेत्र में अत्यंत विकास हुआ। गुप्त काल में संपूर्ण भारतवर्ष में चारों तरफ शांति का वातावरण था। गुप्त काल में प्रजा सभी प्रकार से साधन समृद्ध थी।
सभी प्रकार से साधन संपन्न थी और सुखमय जीवन व्यतीत करती थी और सुखमय जीवन करती थी सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य को हर दृष्टि से समृद्ध बनाया। गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य को हर दृष्टि से या हर प्रकार से समृद्ध बनाया तो छात्रों, जो गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर भारत के इतिहास में गुप्त राजाओं का जो शासन काल है वो स्वर्ण काल के रूप में प्रसिद्ध रहा है। गुप्त काल में हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ, समाज, धर्म, कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, साहित्य, चिकित्सा, शासन प्रशासन, साम्राज्य, ज्योतिष, गणित, हर क्षेत्र में अत्यंत ही विकास हुआ। गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में संपूर्ण भारतवर्ष में चारों तरफ शांति का वातावरण था, अपराध अत्यंत ही कम होते थे तथा गुप्त काल ज्ञान विज्ञान का काल कहलाता है। साथ ही छात्रों, गुप्त काल में प्रजा सभी प्रकार के से साधन संपन्न थी और सुखमय जीवन व्यतीत करती थी, अर्थात प्रजा को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। गुप्त काल के अंदर उन्हें हर प्रकार की जो साधन सुविधा सुख सुविधाएं उनको प्राप्त थी। गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य को हर प्रकार से समृद्ध बनाया और गुप्त राजाओं ने जो अब अपने साम्राज्य की प्रगति के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजाओं का काल, गुप्त राजाओं का काल प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, अब हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था अर्थात गुप्तकालीन समाज है, उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या विशेषता है गुप्तकालीन जो समाज की, सामाजिक व्यवस्था। तो छात्रों, गुप्तकालीन समाज वर्ण व जाति व्यवस्था पर आधारित था। गुप्तकालीन समाज वर्ण व जाति व्यवस्था पर आधारित था। गुप्तकालीन समाज चार वर्णों में विभक्त था। और ये चार वर्ण कौन से छात्रों, जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्णों के अंदर क्या था, ये बटा हुआ था। कौन सा समाज बटा हुआ था? गुप्त काल का जो समाज है चार वर्णों के अंदर बटा हुआ है। छात्रों, हम देख रहे हैं कि वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था है। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, तीन प्रारंभ से ही ये जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही है वो के वही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्णों के अंदर जो गुप्तकालीन समाज बटा हुआ था, गुप्त काल में चारों वर्णों का आधार कर्म में होकर जन्म था। गुप्त काल में चारों वर्णों का आधार कर्म में होकर
जन्म था, अर्थात वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित नहीं थी, जन्म पर आधारित है। जिस व्यक्ति ने जिस वर्ण के अंदर जन्म लिया वो उसी वर्ण का हो जाता था। छात्रों इसी प्रकार से प्राचीन समय में उससे गुप्त काल से पहले क्या था कि जो जैसा उत्तर जो ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जो जैसा कार्य करेगा वो उसी वर्ण का हो जाता था, परंतु अब तो जो जिस वर्ण के अंदर जन्म लेगा वो उसी वर्ण का होगा। तो छात्रों इस प्रकार से था ब्राह्मण। अब जो वर्ण व्यवस्था है इसके अंदर सबसे स्थान किसको था? ब्राह्मण को। किसे था छात्रों? ब्राह्मण को था। ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण इसको ब्राह्मण को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण का कार्य यज्ञ हवन अनुष्ठान शिक्षा वेदों का अध्ययन अध्यापन मांगलिक कार्य करवाना विवाह करवाना था। छात्रों क्षत्रिय अगला जो वर्ण है छात्रों कौन सा था? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का क्या कार्य था? क्षत्रिय का कार्य था कि प्रशासन चलाना देश की आंतरिक सुरक्षा करना बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना वैश्य अगला जो वर्ण था वैश्य। वैश्य वर्ण का क्या कार्य था? वैश्य वर्ण का था छात्रों पशुपालन कृषि व्यापार करना पशुपालन व्यापार कृषि करना गुप्त काल में वैश्यों को वणिक श्रेष्ठी सातवाहा के नाम से जाना जाता था।
शूद्र शूद्र वर्ण छात्रों, गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। शूद्र वर्ण के लोग शूद्र वर्ण के लोग व्यापार, कृषि, कारीगरी का काम करने लगे। व्यापार, कृषि, कारीगरी का कार्य करने लगे। कारीगरी का कार्य करने लगे। गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो छात्रों, जो गुप्त काल है, गुप्त कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जो गुप्त काल कालीन समाज वर्ण व्यवस्था वे जाति व्यवस्था आधारित था, अर्थात वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन वर्णों के अलावा भी कई अनेक प्रकार की जातियां थी, और कई जातियों का उदय जो गुप्त काल के अंदर जो हुआ। छात्रों, गुप्त कालीन समाज वर्ण व जाति व्यवस्था आधारित था। गुप्त कालीन समाज वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से वर्ण में विभक्त था? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन से थे छात्रों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्त काल में चारों वर्णों का आधार कर्म में होकर जन्म था। छात्रों, वैदिक काल के अंदर क्या था कि कर्म पर आधारित था। जिस प्रकार का कर्म करेगा वो उसी वर्ण के अंदर चला जाएगा। परंतु अब जो गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर कि ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म जो जिस वर्ण के अंदर जन्म ले लिया वो उसी वर्ण का कहलाएगा। वो अपने कर्मों द्वारा अन्य वर्ण के अंदर नहीं जा सकता था। तो छात्रों, तो इस प्रकार से गुप्त काल में चारों वर्णों का आधार कर्म में होकर जन्म था। छात्रों, ब्राह्मण को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण का कार्य यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, शिक्षा, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, मांगलिक कार्य, विवाह करवाना, तो इस प्रकार के कार्य जो ब्राह्मण करता था। तो ब्राह्मण क्या करता था छात्रों कि समाज में इसको सबसे टॉप स्थान था। सबसे टॉप मोस्ट जो वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण था। तथा ब्राह्मण का कार्य यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, शिक्षा, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, मांगलिक कार्य, विवाह करवाना था। साथ ही छात्र क्षत्रिय जो वर्ण, क्षत्रिय वर्ण का कार्य था प्रशासन चलाना, देश की आंतरिक सुरक्षा करना तथा देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, देश में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। वैश्य वर्ण छात्रों, इसका कार्य क्या था? पशुपालन, व्यापार में कृषि करना। वैश्य वर्ण का क्या कार्य है? पशुपालन, व्यापार में कृषि करना था। तथा गुप्त काल में वैश्य को, जो वैश्य वर्ण के लोग थे, इन्हें वणिक, श्रेष्ठी, सार्थ कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये कि गुप्त काल में वैश्य वर्ण के लोगों को वणिक, श्रेष्ठी, सार्थ कहा के नाम से भी जाना जाता था। शूद्र, गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। गुप्त काल में क्या हुआ छात्रों? शूद्रों की स्थिति में जो सुधार हुआ, शूद्र वर्ण के लोग व्यापार, कृषि, कारीगरी का कार्य करने लगे। गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गुप्त काल में इनकी आर्थिक स्थिति भी डेवलप हुई तथा इनकी सामाजिक स्थिति के तौर पर भी डेवलप हुए शूद्र, और ये अब क्या करने लगे? व्यापार करने लगे, कृषि करने लगे तथा साथ ही ये जो कारीगरी का कार्य भी करने लगे। तो इस प्रकार से शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। तो गुप्तकालीन जो समाज है, गुप्तकालीन समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या थे? चार इसके अंदर वर्ण थे। और छात्रों, अब हम देखते हैं कि गुप्तकालीन जो समाज है, इसके अंदर जो अन्य इन वर्णों के अलावा अन्य जो जातियां थी, वो जातियां कौन कौन सी थी, उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों, अन्य जातियां,
सामाजिक व्यवस्था के अंदर वर्णों के बाद में अन्य जातियां कौन कौन सी थी जिनका प्रमुख स्थान था गुप्त काल में, तो वो देखते हैं हम छात्रों कि अन्य जातियों के अंदर देखते हैं छात्रों की चांडाल, कसाई, डोम, चांडाल, कसाई, डोम, चांडाल, कसाई, डोम, हादी, सबर, हादी, सबर, मेहतर आदि जातियां थी, आदि जातियां थी। तो कौन कौन सी जातियां थी छात्रों? चांडाल, डोम, कसाई, हादी, सबर, मेहतर आदि जातियां जो गुप्त काल के अंदर जो थी छात्रों। इसके अतिरिक्त कायस्थ, कायस्थ गुप्त काल में कायस्थ नाम की जाति है, उस जाति का क्या हुआ, क्यों उदय हुआ? गुप्त काल में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम गुप्त काल में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। इनका कार्य लेखाकरण कर, इनका कार्य लेखाकरण, लेखाकरण गणना, आय व्यय का कार्य, आय व्यय का कार्य था, आय व्यय का कार्य था। यह भूमि कर एकत्र करते थे, यह भूमि कर एकत्र करते थे, भूमि कर एकत्र करते थे, यह भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी भी थे। भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी भी थे। गुप्त काल के अभिलेखों में इन्हें कायस्थ या ज्येष्ठ कायस्थ कहा गया है। गुप्तकालीन अभिलेखों में यह कायस्थ या ज्येष्ठ कायस्थ कहलाते हैं, ज्येष्ठ कायस्थ कहा गया है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य संहिता में मिलता है। याज्ञवल्क्य ने किया, तो छात्रों श्री याज्ञवल्क्य के इन्होंने सर्वप्रथम जो कायस्थ जाति का उल्लेख किया है। गुप्त काल में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। इनका कार्य लेखाकरण करना, गणना करना, आय व्यय का कार्य करना था। ये भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी भी थे। गुप्त काल में अभिलेखों में यह कायस्थ या ज्येष्ठ कायस्थ इन्हें कहा गया है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य द्वारा किया गया है। छात्रों चांडाल, इसके बाद में हम देखते हैं जाति है चांडाल जाति। चांडाल
छात्रों जब यह जाति चांडाल, छात्रों इसके साथ में जो अन्य जातियां हैं जैसे चांडाल, कसाई, हादी, हादी डोम, हादी डोम, शवर, मेहतर, चांडाल, कसाई, हादी डोम, शवर, मेहतर, जैसी जातियां नगर के बाहर रहती थी, जैसी जातियां नगर के बाहर निवास करती थी जब यह नगर में प्रवेश करते तो डंडा खटकाकर जब यह नगर में प्रवेश करते थे तो हाथ में डंडा रखते थे, हाथ में डंडा रखते थे और डंडा खटकाकर चलते थे। ताकि लोग इनके स्पर्श से बच सके, चांडाल मछली मारने, शिकार करने चांडाल मछली मारने शिकार करने मांस बेचने का कार्य करते थे। मांस बेचने का कार्य करते थे, मांस बेचने का कार्य करते थे। छात्रों जो अन्य जातियों के अंदर चांडाल, कसाई, डोम, हादी, सवर, मेहतर आदि जातियां जो गुप्त काल के अंदर थी और कायस्थ जाति का गुप्त काल के अंदर उल्लेख हमें मिलता है, इनका जो कायस्थों का कार्य था वो लेखाकरण करना, गणना करना, आय व्यय का कार्य इनका था। यह भूमि एकत्र करने वाले अधिकारी भी थे, अर्थात इनको भूमि एकत्र करने वाले अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ व ज्येष्ठ कायक का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन अभिलेखों में यह कायस्थ या ज्येष्ठ कायक कहा गया, मतलब कायस्थ को क्या कहा गया, कायस्थ या ज्येष्ठ कायक, कायस्थ इन्हें कहा गया है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो करता है वो कौन करता है, याज्ञवल्क्य है। ये याज्ञवल्क्य इसका जो उल्लेख करते हैं। चांडाल, छात्रों जो चांडाल जाति के लोग हैं इनका कार्य क्या था, ये चांडाल जाति के लोग हैं इनका कार्य था मछली पकड़ना। क्या करते थे, मछली पकड़ते थे या मछली मारने का कार्य था, शिकार करने का कार्य था तथा मांस बेचने का कार्य था। तो चांडाल जाति के लोग क्या करते थे, मछली मारने का कार्य, शिकार करने का कार्य तथा मांस बेचने का कार्य ये करते थे। चांडाल, कसाई, हादी, डोम, सबर, मेहतर जैसी जातियां नगर के बाहर निवास करती थी। कहां निवास करती थी, नगर के बाहर निवास करती थी। जब यह नगर में प्रवेश करते थे तो हाथ में डंडा रखते थे। जब ये मान लो इनको नगर के अंदर आना होता था तो ये क्या करते थे, हाथ में डंडा रखते थे और खटका कर ये चलते थे ताकि इनकी खटकाने खटखट की आवाज, डंडे की आवाज आती थी ताकि लोग समझ जाते थे कि जो ये जातियां नगर में प्रवेश किया इस जाति के लोग ने और वो उनके स्पर्श से बच सके। तो छात्रों तो इसमें क्या होता कि चांडाल, कसाई, हाथी, डोम, सबर, मेहतर जैसी जातियां नगर के बाहर निवास करती थी। जब ये नगर में प्रवेश करते थे तो हाथ में डंडा रखते थे और डंडा खटका कर चलते थे ताकि लोग इनके स्पर्श से बच सके। तो इस प्रकार से ये जातियां थी छात्रों। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अम्बष्ट, अगला जो है छात्रों को थी कि अम्बष्ट सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अम्बष्ट।
अम्बष्ट अम्बष्ट छात्रों इसके अंतर्गत छात्रों अम्बष्ट ब्राह्मण पुरुष में वेश्या स्त्री से उत्पन्न संतान अम्बष्ट ब्राह्मण पुरुष वेश्या स्त्री से उत्पन्न संतान उत्पन्न संतान उग्र उग्र गौतम ने वेश्य पुरुष में शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा है। गौतम ने वैश्य पुरुष व शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को से उत्पन्न संतान को उग्र कहा है उग्र कहा है। स्मृतियों में क्षत्रिय पुरुष व शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा गया है। शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा गया है उग्र कहा गया है। पराशव पराशव छात्रों ब्राह्मण पिता व शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मनु ने पराशव कहा है। ब्राह्मण पिता व शूद्र स्त्री से उत्पन्न शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मनु ने पराशव कहा है पराशव कहा है। न्याय संहिताओं में कहा गया है कि न्याय संहिताओं में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से वैश्य की परीक्षा जल से शूद्र की परीक्षा विष से ली जानी चाहिए विष से ली जानी चाहिए। तो छात्रों जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हम देखते हैं इसमें कि जो अम्बष्ट ब्राह्मण पुरुष वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान जो
ब्राह्मण पुरुष तथा वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? अम्बष्ट के नाम से जानी जाती है। उग्र गौतम ने वैश्य पुरुष से शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को उग्र कहा है। तो गौतम है, गौतम ने जो उग्र कहा है किसे कहा है कि ये वैश्य पुरुष तथा जो शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या कहलाती है? उग्र कहलाती है। अम्बष्ट ब्राह्मण पुरुष में वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? अम्बष्ट कहलाती है। स्मृति जो स्मृतियां हैं, स्मृति ग्रंथ है, इनके अंदर क्षत्रिय पुरुष में शूद्र स्त्री की संतान को क्या कहा गया है? उग्र कहा गया है। छात्रों पराशव ब्राह्मण पिता वे शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मनु ने क्या कहा है? पराशव कहा है। न्याय संहिताओं के अंदर जो न्याय संहिता हमारी, तो न्याय संहिताओं के अंदर विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे ब्राह्मण की परीक्षा किससे होनी चाहिए? तुला से होनी चाहिए। क्षत्रिय जाति क्षत्रिय वर्ण की परीक्षा किससे होनी चाहिए? अग्नि से होनी चाहिए। वैश्य की परीक्षा जल से होनी चाहिए। और शूद्र की परीक्षा किससे होनी चाहिए? विष से होनी चाहिए। अर्थात परीक्षा का माध्यम बताया गया कि यदि ब्राह्मण की यदि आपको परीक्षा लेनी है तो तुला से परीक्षा लेनी चाहिए, और क्षत्रिय की अग्नि से, और वैश्य की जल से, तथा शूद्र की परीक्षा विष से लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये जो विभिन्न प्रकार की जातियां बताई गई है छात्रों, अब हम देखते हैं कि दास प्रथा के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो दास प्रथा के बारे में हम चर्चा करते हैं।